हाय एवरीवन दिस आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग है देखिए हरियाणा में आज आपको जंगलों में जो लायन है वो नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जो कहता है कि हरियाणा में आ, उनके वहाँ के जंगलों में लायंस थे अर्ली 1800s तक उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको वहाँ पे ख़त्म कर दिया ऑब्वियसली थ्रू हंटिंग इसके क्या ये पेपर है इसके बारे में है, इसके हाइलाइट्स हम डिटेल में देखेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी अगर आप हरियाणा स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए काफी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं आप कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अभी होली का डिस्काउंट और होली सेल भी चल रही है आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री और थर्टी थ्री परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर राइट नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक अब देखो एशियाटिक लाइन जो है पैंथेरा लियो पर्सिका इसको आज हम यही जानते हैं कि कहाँ पाया जाता है गिर फॉरेस्ट में गुजरात में काठियावाड़ रीजन में गुजराती अस्मिता से इसको हम जोड़ते हैं इसका सिंबल माना जाता है अब लायंस अगर आपको मैं बताऊं ये वेस्टर्न सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं इंक्लूडिंग जो आज का हरियाणा है ये वहाँ पे भी पाए जाते थे एक एकेडमिक पेपर हमको रिसेंट एक पेपर पब्लिश हुआ है एक जर्नल में वो हमको ये बताता है लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि सिर्फ फॉरेस्ट से ही हम लायंस को एसोशिएट कर पाते हैं प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं अब एविडेंस की बात करें तो देखिए हरियाणा इसका स्पेलिंग देखिए क्या लिखा जाता था पहले लाइन पैंथेरा लियोपर्सिका पार्ट वन ये पेपर छपा है यहाँ पे पूरा एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है वो दिया गया है कि किस तरह से लायन को हंट किया गया प्रेजेंट डे हरियाणा में ब्रिटिशर्स ने इनफैक्ट जो इंडियन प्रिंस थे वो भी एज अ स्पोर्ट इसमें इन्वॉल्व होते थे और लाइन्स को मारते थे अब ये पेपर पब्लिश किया गया है दिसंबर 29, 2021 में जर्नल है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जर्नल वहाँ पे इसको पब्लिश किया गया है ओके okay? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑथर कौन है इसके वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन है रज़ा काजमी जी उन्होंने ये पेपर लिखा है तो क्योंकि काजमी नाम बार बार आता रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों वो नाम ले रहे हैं बिकॉज जो ऑथर जिन्होंने इस पेपर को किया है अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स शेयर किए हैं एटीन के बाद जो ये दिखाते हैं कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स सोल्जर्स हंटर्स जो हैं और इंडियन प्रिंसेस जो रा, जो राजकुमार होते थे वो लायंस को हंट करते थे एक तरह की गुंडागर्दी समझ लीजिए क्योंकि स्पोर्ट्स उस टाइम स्पोर्ट्स में ये इंक्लूड होता था हंटिंग राइट right? तो हंटिंग करनी है तो लायंस को मारो जित जो जितने ख़तरनाक जानवर को मारेगा वो उसको उतनी वाहवाही मिलेगी तो पहले ये सब होता था जब हमारे इतने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज नहीं थे अब बैकग्राउंड हम इसका देखते हैं तो देखिए हरियाणा जो आज हम जो हमारी जो स्टेट है हरियाणा जिसको हम जानते हैं ब्रिटिश कंट्रोल में आई कैसे आई एक ट्रीटी साइन हुई थी 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर था महाराजा रंजीत सिंह का उनके बीच में एक समझौता साइन हुआ था कि सतलज रिवर जो है वो बॉर्डर रहेगा दोनों साइड्स का और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे क्रॉस नहीं करेंगे ब्रिटिश एरा का जो हरियाणा था स्पेलिंग देखिए कैसे लिखे जाते थे उसके हरियाणा की जो टेरिटरीज थी क्योंकि उसमें सिर्फ हरियाणा ही नहीं आता था आपका जो पंजाब का मालवा और पुआ रीजन है सदन पंजाब का सतलज और घाघर रिवर के बीच में जो आते हैं घाघर रिवर के बीच में जो आते हैं ये सारे एरियाज़ आपके हरियाणा टेरिटरीज मानी जाती थी और उसी टाइम पे यहाँ पे सिस जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं पटियाला नाभा ये वाले एरिया जींद कठियाल थानेसर ये सब भी उसमें आते थे अब हरियाणा आज आप जानते हैं एक एग्रीकल्चर स्टेट मानी जाती है अग्रेरियन लैंडस्केप है वहाँ का सतलुज यमुना रिवर्स और अरावली हिल रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी लेकिन नाइनटीन सेंचुरी की शुरू की तीन डिकेड्स में इस स्टेट में एरिड सवानाज़ थे डेंस स्क्रब जंगल थे जहाँ पे लायंस, लेपर्ड्स और टाइगर्स कोहैबिट करते थे यानी साथ में रहते थे देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि इकोसिस्टम में इसको अगर आप इन्वायरमेंट वैसे ही हिस्ट्री का टॉपिक आएगा लेकिन अगर आप इसको इन्वायरमेंट से जोड़ के भी देखेंगे तो बड़े प्रीडेटर्स बड़े प्रीडेटर्स में आपके यही आते हैं लायंस लेपर्ड्स टाइगर्स राइट right? क्योंकि इनसे बड़ा कोई प्रेडेटर नहीं है ये साथ में अगर किसी इकोसिस्टम में रहते हैं तो ये बहुत अच्छा एविडेंस है क्योंकि आज हम जो लाइन्स हैं या टाइगर्स हैं इनकी रो लेके रीलोकेशन की भी बात करते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे कहीं इनका शिकार कम ना पड़ जाए भूख से ना मर जाए तो यहाँ पे हमको ये पेपर ये भी एविडेंस दे रहा है देखिए कि एक समय पे ये साथ में रहते थे एक जंगल में ये हरियाणा स्टेट यहाँ पर दिखा रखी है इंडिया में कि आप देख सकते हैं किन किन एरियाज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिसार जींद कठियाल राइट इस एरिया की बात कर रहे हैं अब ना कि इन लाइन्स के बारे में जानते हैं तो देखिए ब्रिटिशर्स जैसे जैसे वेस्ट वर्ड, इंडिया के वेस्ट साइड पे जाने लगे और कब जाने लगे पहले तो आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को हिस्ट्री में आपने पढ़ा है दीवानी राइट्स बंगाल बिहार उड़ीसा के 1765 में मिले और इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनको इतना ज़्यादा मालूम नहीं था कि यहाँ पे जंगलों में हिंदुस्तान के लाइन्स भी मिलते हैं एटीन में नाइन फ्रेसर यंगर ब्रदर हैं ब्रिटिश आर्म आर्मी ऑफिसर विलियम फ्रासर के उन्होंने रिकॉर्ड किया उनके रिकॉर्ड से हमको पता चलता है कि एग्जिस्टेंस थी दो लायन कब्ज़ की लायन के बच्चे दो जिनको पकड़ा गया था जंगल से और फिर इनको ब्रिटिश रेजिडेंसी दिल्ली में रखा गया था तो यहाँ से देखिए ये सारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हमको कैसे पता चलते हैं किसी की डायरीज़ पब्लिश होती हैं कोई पुराने जर्नल पेपर्स हमको मिलते हैं न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं उनको पढ़ पढ़ के हम एक इंफ्रेंस निकालते हैं कि और वहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि किस तरह का टाइम वो रहा होगा और कब कब आ, किस चीज़ की क्या क्रोनोलॉजी रही होगी अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे लायंस हैं इंडिया में एक मिलिट्री डिस्पैच इन्होंने निकाला था उसका टाइटल था लायंस एक्सटैंड इन इंडिया पब्लिश इन एटीन तो देखिए एक चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है कि अठारह में कि इस तरीके से मिलिट्री डिस्पैच निकला कि लायंस इंडिया में है अब ये जो नोट है ये किसने किसको भेजा मिलिट्री स्टेशन हांसी से गया वॉ सेंट फ्रॉम मिलिट्री स्टेशन ऑफ हांसी 8 मार्च 1810 ये हांसी से गया कि यहाँ पे लायंस हैं इंडिया में और यहाँ पे बेसिकली इस पूरे जो भी लेटर था उसमें क्या लिखा हुआ था उसमें बताया गया था कि इस तरह से पांच लोग घोड़े पे सवार हांसी कैंटोनमेंट में उन्होंने देखा एक लायन और एक लाइन पेयर था वो ग्रास के बीच में एक विलेज के पास एक मरे हुए पिक को खा रहे थे उन्होंने उसको मारा होगा और अब खा रहे थे तो इतनी देर में ये जो पांच फाइव फाइव हॉर्समैन हैं इन्होंने क्या किया घास को आग लगा दी वहाँ से जो लाइनस है वो तो एकदम से भाग गई लेकिन जो लायन था उसने सोल्जर्स पे अटैक किया एक इंसान को आ, उसने जख्मी भी किया लेकिन बाद में उस लायन को मार दिया गया तो इस अकाउंट से भी हमको 1810 में ये लेटर भेजा गया तो पता चलता है कि उस टाइम लायंस थे दूसरा देखिए इस पेपर में क्या है इन्होंने पूरा टेबल कंपाइल किया है पेपर का जहाँ पे कितने टाइगर सॉरी कितने लायंस थे किसका क्या मेल जेंडर क्या था सेक्स क्या था और कितने लायंस को ब्रिटिशर्स ने मारा टाइमलाइन है एटीन हंड्रेड नाइन और एटीन ट्वेंटी थ्री के बीच में तो यहाँ पे कंक्लूजन में इन्होंने लिखा है कि 129 लाइंस का रेफरेंस हमको मिलता है हिस्ट्री में और ये नंबर 129 से 141 तक भी हो सकता है कि इतने दिखे थे और 109 लाइंस को मार दिया गया था और हो सकता है 112 तक मैक्सिमम नंबर ये जा सकता है अकाउंट जो है अगर हम हिस्टोरिकल इन्होंने जैसे पूरी रिसर्च की है उससे इनको ये नंबर्स मिले हैं और 109 हंड्रेड में से 80 जो हैं वो उसकी जगह 82 मान लीजिए एज़ हाई एज़ जो मारे गए उसमें से पांच साल के पीरियड में ही 82 को 80-82 लायंस को मारा गया होगा 1810 और 1815 के एटीन में। ओके के तो एक्चुअल नंबर ऑफ लाइंस कितने मारे गए वो इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी ये तो हमको जितना ढूंढ पाए रिसर्चर्स उतना मिला है अब लोकेशन में आपको बताती हूँ जहां पे आज हम सोच भी नहीं सकते कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट या लायंस की रेंज रही होगी जो आज का हिसार है भिवानी है सफ़ीदौन लुधियाना रोहतक करनाल बहादुरगढ़ जींद पहले देखिए क्या क्या स्पेलिंग इनके लिखे जाते थे क्या क्या नाम थे तो इन एरियाज़ में लायंस की रेंज थी उसके बाद इन्होंने देखा कि लायन पॉपुलेशन को ब्रिटिशर्स ने किस तरह से पूरा तबाह किया और यहाँ पे एक और इंस्टेंस हमको एक पुराने जर्नल से मिलता है वो जर्नल है 1811 का और 1815 तक कि यहाँ पे बताया गया कि जो लोग बाहर से आए इंडिया में रहे उन्होंने टूर किया नॉर्थ इंडिया गए वेस्टर्न पार्ट्स में गए जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश प्रोजेसन्स थे उससे भी यहाँ पे काफ़ी कुछ पता चलता है जैसे एक डॉक्यूमेंट है एक किसी की वाइफ थी सर जॉर्ज नजेंट की वाइफ़ थी ये कमांडर इन चीफ थे इंडिया के एटीन से एटीन तक उनका पेपर इन्होंने पब्लिश ये जो भी इनकी डायरी थी वो पब्लिश इनकी प्राइवेट ट्रैवल डायरी थी जो कि उनके मरने के बाद पब्लिश हुई 1839 में वहाँ से हमको डेटा पता चलता है कि उन्होंने बताया कि पीरियड ऑफ लेस देन वन मंथ यानी 1812 टू तो अर्ली जनवरी 1813 में इस लेडी की डायरी से हमको पता चलता है कि एटलीस्ट 22 टू लाइन्स को मारा गया 29 नाइन लाइन्स देखे गए होंगे जिन्होंने बचने की कोशिश की लेकिन ट्वेंटी टू को मारा गया तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिटिकल फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च की किस तरह से शूट हुआ और क्योंकि लाइन को प्राइड माना जाता है हंटर्स ने मारा लोग ब्रिटिशर्स ने मारा और इतने इजीली देखिए लाइन मारे भी क्यों जाते थे क्योंकि टाइगर्स और लाइन्स में अगर आप देखेंगे उनके लाइफ स्टाइल में फ़र्क है टाइगर अकेले अकेले घूमते हैं लायंस अगर आप देखेंगे आपको ग्रुप्स में भी मिलेंगे थोड़ा ग्रिगेरियस नेचर होता है लाइन्स का तो ये ओपन हैबिटाट में रह रहे थे एकदम से सामने आ जाएंगे और उनको फॉलो किया जाता था और मारा जाता था और सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं मैंने आपको पहले ही बताया इंडियन इंडिया के जो राजकुमार थे प्रिंसेस थे वो भी इसको लाइन्स को और बाकी वाइल्ड लाइफ को हंट करते थे फिर उसके बाद एक पेंटिंग से भी एक रिकॉर्ड हमको मिलता है ये पेंटिंग आप देखिए जो साइड पर है सर चार्ल्स एक ब्रिटिश ऑफिशियल पेंटर थे उन्होंने दो एल्बम्स निकाली थी इंडियन स्पोर्ट्स करके और वहाँ पर ये सिक्सटी थ्री ड्राइंग्स हैं वाटर कलर की जहाँ पे एक हंटिंग स्कीन सीन दिखाया गया है इंडिया से तो इन पेंटिंग्स में आपको मैसेज मिलेगा कि किस तरह से इलस्ट्रेट किया है लायन और टाइगर एक तो दोनों एक ही जगह पे हैं ओपन सवाना वुडलैंड जैसा स्क्रब फॉरेस्ट जैसा एरिया लग रहा है और आज ये पेंटिंग ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़ी है और इकलोती क्लोनियल एरा की इस तरह की पेंटिंग है जो ये दिखाती है कि लायन और टाइगर साथ में कोहैबिट कर सकते हैं सेम फॉरेस्ट पैच में तो इन्वायरमेंट के तौर से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है अब क्रिटिक्स इस रिसर्च पे क्या कहते हैं तो देखिए यही चीज कहा जा रही है जैसे जो क्रिटिक्स हैं लाइन री इंट्रोडक्शन के यानी जो नहीं चाहते कि आप लायंस को अभी कूनों में लाने की बात की जा रही थी कि सूटेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टाइगर्स हैं जो रंथमपुर टाइगर रिजर्व से ला रखे हैं साथ में नहीं रह पाएंगे तो यहाँ पे काजमी कहते हैं कि एक होप इन्वायरमेंटल तौर से भी हमको इकोसिस्टम के तौर पर भी यहाँ पे नज़र आता है एविडेंस दिखता है कि पास्ट में लायंस टाइगर्स सिर्फ साथ ही नहीं रहते थे सेम लार्जर लैंडस्केप तो शेयर करते थे लेकिन कुछ केसेस में उन्होंने अपने नीच हैबिटेट्स जो हैं स्पेसिफिक जंगल्स में वो भी आउट करके रखे थे अगर पहले हो सकता है जो उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इन नैचुरल एनिमल्स का तो आगे भी पॉसिबल हो सकता है तो लाइन सेंसेस के बारे में आपको बताऊँ पहला लाइन सेंसेस कंडक्ट किया गया था नवाब थे जूनागढ़ के नाइनटीन थर्टी सिक्स में आ, फिर सिंस नाइनटीन सिक्सटी फाइव जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो रेगुलरली लाइन सेंसेस हर पाँच साल में कंडक्ट करते हैं लास्ट ईयर जून में हुआ था आई थिंक लास्ट ईयर नहीं टू थाउजेंड ट्वेंटी में हुआ है और इंडिया में हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो ट्वेंटी एट पॉइंट एट सेवन परसेंट पॉपुलेशन में देखी गई है लाइन्स की उस, उनका नंबर यानी फाइव ट्वेंटी थ्री से सिक्स सेवेंटी फ़ोर हुआ है लास्ट फाइव ईयर्स में और अगर ये एस्टिमेशन हम टू थाउजेंड फिफ्टीन से उनका देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे ग्रोइंग नंबर्स आपको नजर आएंगे यहाँ पे भी गुजरात स्टेट फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सोर्सेज से ये डेटा जो है वो लिया गया है तो लाइन सेंसेस आप देख सकते हैं फैक्ट्स लाइन के बारे में टेन टू फोर्टीन ईयर्स इनका लाइफ स्पैन होता है ग्रुप्स में जाते हैं जिनको प्राइड बोलते हैं लाइन लाइनस कब ये मेल फीमेल और बेबी लाइन कार्निवोर्स होते हैं एशिया अफ्रीका में पाए जाते हैं किंग ऑफ द जंगल जनरली लायन को कहा जाता है अब आपके लिए क्वेश्चन है विच इज़ द फैमिली ऑफ लायन चिकल डे कैनी डे फेली डे मस्टली डे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में आंसर जानने के लिए पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज ई एम भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच